हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आप सबको पता ही होगा और ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऐसे टाइप के मेकअप बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने अपना फेस में मॉइस्चराइज करके इस मेकअप को स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने अपने लिप बाम अप्लाई किया है लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए और फिर कलर करेक्टिंग। तो ये सब स्टेप्स तो आप लोग को पता ही होगा, मेन तो मेकअप होता है। चलिए, तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये वाला जो मेकअप है, ये फेस आर्ट मेकअप, ये मैंने अपने लाइफ में पहली बार किया है और पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसमें शूट करके आप लोगों को दिखाने का सोचा है। तो ये वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है मेरे से इस मेकअप में, तो अगर है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर है नहीं होगा, ये कॉमन बात है। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत से ये वीडियो बनाया तो एक लाइक तो बनता है ना यार। चलो ठीक है, फिर मैंने अपने फेस में प्राइमर लगाया है और प्राइमर को भी बहुत अच्छी तरीके से अपने फेस में मिक्स करके लगा दिया। फिर बारी है फाउंडेशन की। आप बोलोगे आई इतना सारा फाउंडेशन, नहीं भैया इतना सारा फाउंडेशन नहीं, बात यह है कि फाउंडेशन ज़्यादा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें एक अननेचुरल लुक होना चाहिए। ये एक कॉस्प्ले लुक टाइप का है, एक फेस आर्ट टाइप का है, तो ये आपका मुंह सफ़ेदी उजाला जैसा दिखना चाहिए, तो मैंने वही किया है। आई होप उजाला में कॉपीराइट ना लगे। तो मैंने फाउंडेशन का एप्लीकेशन करने के बाद इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरीके से डैब मोशन में उसको मिक्स कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने अपने आईब्रोज को ब्रश किया है क्योंकि ईच एंड एवरी मेकअप नीड्स टू बी गुड लुकिंग, क्योंकि आप इसमें अच्छे दिखने चाहिए। तो हमेशा आईब्रोज वगैरह ये मत सोचना कि ये फेस आर्ट मेकअप है तो आईब्रोज वगैरह स्किप कर दें, नहीं, उससे पूरा लुक ख़राब हो जाएगा आपका। तो फिर मैंने कॉन्टोरिंग किया है और कॉन्टोरिंग थोड़ा सा डार्क कॉन्टोरिंग होगा, इतना मैंने नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेके कॉन्टोर किया है। कॉन्टोरिंग भी डार्क होगा क्योंकि जो जॉ लाइन टाइप का हमें दिखाना है इसमें सब कुछ हार्श लाइंस दिखाना है। जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लेंड आउट कर देते हैं हर चीज़, इस मेकअप में हम लोग ब्लेंड आउट कम, हार्श लाइंस ज़्यादा दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग हार्श लाइंस दिखाएंगे तो हमारा ये मेकअप थोड़ा सा एनिमल टाइप ऑफ लुक देगा क्योंकि ये एक एनिमल फेस आर्ट मेकअप है। तो चलो मैंने इसको ब्लेंड करके अपने नोज़ में एक लाइनिंग क्रिएट किया है नोज़ कॉन्टोरिंग का। और इसका सबसे मेन स्टेप है कि इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करना है हमें, हमें इसको ऐसे ब्लेंड करना है कि ये जो लाइन है वो हार्श दिखे। देखिए मैंने उतने अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड नहीं किया है, मैंने इसको छोटा सा नॉर्मली ब्लेंड किया है। तो चलो इसको छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके नोज़ के टिप में भी मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन किया है ताकि और मतलब वो दिखे, अच्छा दिखे। फिर मैंने अपने नोज़ में एक हाइलाइटिंग शेड का यूज़ किया है जिस शेड के कारण हमारा नोज़ का जो टिप है वो भी हाईलाइट होके दिखेगा। तो मैंने अपने नोज़ को हाईलाइट किया है और अपने चीक्स को हाईलाइट किया है, अंडर आइज चीक्स जिसको भी बोले उसको हाईलाइट किया है, अपने जो कॉन्टोरिंग के नीचे भी हाईलाइट किया है और इन सब को बहुत अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया। हाँ, और ये वाला जो हाईलाइटिंग है ये सब भी हमें हार्श 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 रखना है। और मेन है, आप कईयों ने मेरे से बोला इस शेड के बारे में, जो मैं शेड यूज़ करती हूँ हाईलाइटिंग के लिए, तो इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरटोन। मेरा अंडरटोन है येलो अंडरटोन, तो इसके कारण से मैं येलो करेक्टर से भी हाईलाइटिंग शेड इसको बना सकती हूँ। वो अपने अंडरटोन्स पे वैरी करता है कि आप कॉन्सीलर लगाओ या ये येलो करेक्टर यूज़ करो या कुछ भी। तो फिर मैंने अपने फोरहेड में अप्लाई किया है इसको। फोरहेड में भी अप्लाई करना इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जिससे हमारा जो टी जोन है, जो फोरहेड एरिया है, जो टी जोन है वो उभर के आए और अच्छा दिखे, लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे, ये भी। और फिर मैंने एक ब्लैक फेस पेंट से अपने नोज़ में अच्छी तरीके से एक नोज़ बनाया, मतलब वही हमें एनिमल का नोज़ बनाना है तो हमने नोज़ को स्केच आउट किया है। इसको भी बहुत बारीकी से स्केच आउट करो क्योंकि छोटा सा गलती भी आपका फेस का वाट लगा सकता है। फिर मैंने वो इनर कॉर्नर्स को थोड़े से एक फ्लैट ब्रश से, फ्लैट है और ये मोटा है थोड़ा सा ब्रश,
के मदद से मैंने अपने कॉन्टोर के साथ उसको मर्ज करने का ट्राई किया है, ताकि थोड़ा सा होता है ना ड्रामेटिक लुक आए, थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिर मैंने अपने लिप्स के बीच में भी एक लाइन खींच दिया है, वो एनिमल टाइप का ज़्यादा दिखाने के लिए। फिर उसी ब्लैक पेंट से मैंने लिप को साइड से लाइन किया है, और फिर उसके बाद मैंने एक ब्लैक कलर का लिपस्टिक लिया है जो नॉन वेस्ट साइड का है। तो फिर उसके बाद मैंने, चलो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने अप्लाई किया है, ताकि जो मेरा लिप्स है वो भी मतलब होता है ना एनिमल काइंड ऑफ लुक आए। और देखिए इतने में ही आ गया ये लुक, कई मतलब कई हद तक आ गया है। फिर मैंने एक आई लाइनर के मदद से, जेल आई लाइनर नहीं, ये नॉर्मल आई लाइनर, उसके मदद से मैंने साइड्स को ड्रॉ किया है, ताकि थोड़ा सा और अच्छा आए, फिनिश आए, लुक आए। हमें तो डिटेलिंग भी ध्यान रखना है। फिर मैंने एक लंबा सा विंज लाइनर बनाया है। चलो ये आप लंबा बनाओ छोटा बनाओ ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने तो मतलब प्रेफर किया है थोड़ा सा लंबा टाइप का, क्योंकि एक तो मैंने पहली बार ये सब मेकअप किया है ये वाला, तो मुझे उतना सेंस भी नहीं था जब मैं बना रही थी उस टाइम कि करना चाहिए कि नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट कोई स्टेप नहीं है। तो चलो मैंने एक विंज आई लाइनर ड्रॉ किया है लंबा सा, और फिर अपने जो आई के कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में भी मैंने थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ड्रॉ किया है, ताकि वो एनिमल आईज टाइप का ज़्यादा लुक आए। हाँ ये भी, इसमें भी थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये मेरे को एक हाथ में मिरर पकड़ के करना पड़ा तब, तो छोड़ो। फिर मैंने एक ब्लश का अप्लाई किया है, और ये ब्लश आप सोच सकते हैं पिंकी पिंकी क्यों है, तो अगर ब्लश पिंकी पिंकी ना हो ना, तो आप जानवर कम इंसान ज़्यादा दिखोगे, तो आपको इंसान कम जानवर ज़्यादा दिखता है। तो पिंकी पिंकी ब्लश आप अप्लाई करो, अपने फोरहेड में करो, अपने चिक्स में करो, और अपने चिन में करो, और फिर उसके बाद आप हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने हाईलाइट कर लिया अपने फेस को हाईलाइटर से, और फिर लाइनर से मैंने डॉट 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 बना दिया थोड़ा सा एनिमल टाइप के दिखने के लिए, क्योंकि मुझे इंसान तो आज दिखना नहीं है, आज मुझे जानवर दिखना है। फिर मैंने अपने फॉल्स लैशेस को अप्लाई करने के बाद एक मस्कारा का एप्लीकेशन कर दिया है, और टडा ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो।